तो दोस्तों आपको मैंने पिछले व्लॉग में कुबेर भंडारी टेम्पल दिखाया था और राजपिपला सिटी दिखाई थी। तो अभी हम लोग राजपिपला सिटी से थोड़े आगे निकल गए, अभी हम लोग जाने वाले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो मेरे व्लॉग में बने रहे आज। तो अभी हमने यहाँ से राइट ले लिया, अभी यहाँ से स्टेट टू स्टेट ही जाना है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए। तो यहाँ पे राइट महादेव जी का टेम्पल है और लेफ्ट साइड आपको नर्मदा आरती शाम को देखने को मिलेंगी। अभी हम लोग आगे जाते हैं। तो अभी यहाँ से लेफ्ट ले लेते हैं, यहाँ से अभी 5 किलोमीटर्स है। तो अभी आप ये देख सकते हो यहाँ पे अभी नया ब्रिज बनाया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए। पहले मैं 3-4 साल पहले आया था यहाँ पे, तो ये ब्रिज यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे एक लेफ्ट साइड और एक ब्रिज था, वहाँ से पहले जाना पड़ता था, लेकिन वो अभी टूट गया है। तो यहाँ से अभी थोड़े आगे जाके यू टर्न लेना है। लेकिन दोस्तों सॉरी, आपको मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं बता पाया। आज सोमवार है, हम लोग भूल गए थे कि आज सोमवार है और यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सोमवार के दिन यहाँ पे बंद रहता है। तो दोस्तों फिर से हम लोग यहाँ पे ब्रिज पे आ गए, अभी थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करेंगे, फोटो और वीडियो यहाँ पे शूट करेंगे और आपको थोड़ा नज़ारा भी दिखा देते हैं यहाँ से। यहाँ पे स्टैच्यू भी दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है सामने। अभी आपको मैं पूरा सिनेमेटिक व्यू दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी हम लोग निकल गए हैं झरवानी वाटरफॉल के लिए। इस रूट पे काफी सुंदर नजारा आपको दिखने को मिलेगा, पूरा जंगल विस्तार है।
तो यहाँ पे पहले चेक पोस्ट आएगा, तो यहाँ पे आपको पहले एंट्री करवानी पड़ेगी और यहाँ पे आपको टिकट लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पर पर्सन है 50 रुपीज़। तो हमारा टोटल हुआ है टिकट चार्ज 500 रुपीज़ हुआ है। तो अभी यहाँ से राइट ले लेते हैं जलवानी वाटरफॉल के लिए, और यहाँ पे अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टार्ट हो जाएगी, सूलपानेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी आपको मैं काफ़ी सुंदर सुंदर सब नज़ारे आपको दिखाऊंगा सूलपानेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, पूरा जंगल विस्तार है दोस्तों। और यहाँ पे काफ़ी बहुत डिफरेंट यहाँ पे घाट आएंगे, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। पूरा यूटर्न है, पूरा यूटर्न में घाट है यहाँ पे, और यहाँ पे ये नज़ारा देखो, माइंड ब्लोइंग नज़ारा है दोस्तों। अभी आप ये देख सकते हो यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे ब्रिज बनाया है। अभी ये तो समर का सीज़न है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मॉनसून सीजन में तो काफ़ी सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप भी एक बार यहाँ पे विजिट करो, ये प्लेस काफ़ी सुंदर प्लेस है। तो यहाँ पे हमने अभी गाड़ी स्टॉप कर दी, अभी आपको मैं नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ का। तो ये रास्ते काफ़ी सुंदर है और आपको हिल स्टेशन जैसे फील कराएंगे जलवानी वाटरफॉल जाने का ये रास्ता। तो अभी हम लोग जलवानी विलेज के पास है, एकदम टॉप हाईएस्ट प्लेस पे अभी यहाँ पे हमारी गाड़ी यहाँ पे स्टॉप करेंगे और आपको यहाँ पे अच्छे अच्छे सब नज़ारे दिखाएंगे।
और ये प्लेस को मिनी कश्मीर भी बोला जाता है, नर्मदा का मिनी कश्मीर। अभी आपको मैंने जलवानी का टॉप हाईएस्ट प्लेस भी दिखा दिया। अभी हम लोग जाने वाले हैं, फिर रिटर्न होने वाले हैं, थोड़ा ही रिटर्न होना है और यहाँ पे लेफ्ट साइड जलवानी वाटरफॉल आ जाएगा। तो अभी यहाँ से लेफ्ट ले लेते हैं और यहाँ पे स्टेट ही जाना है और आगे जाके गाड़ी यहाँ पे पार्क कर देनी और यहाँ पे वॉक करके आपको जाना पड़ेगा जलवानी वाटरफॉल के लिए। अभी आपको मैं बताता हूँ पूरा डिटेल्स में। और ये प्लेस अभी इसको धीर खाड़ी भी बोलते हैं और आगे जाना है थोड़ा वॉक करके और जलवानी वाटरफॉल आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं पहले 3 या 4 साल पहले यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे ऐसा कुछ ब्रिज भी नहीं था, तो पहले यहाँ पे नदी में से ही जाना पड़ता था पूरा जलवानी वाटरफॉल तक। लेकिन अभी यहाँ पे भी काफ़ी बहुत ही ज़्यादा सब डेवलप हो गया है और ये अभी एक स्टील का ये ब्रिज है और आगे भी एक स्टील का ब्रिज आएगा एक। और अभी ये तो समर का सीज़न है, लेकिन आपको यहाँ पे मानसून में तो इतना पानी यहाँ पे दिखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पे स्टील का ब्रिज बनाया है। अभी ये दूसरा ब्रिज आ गया है, अभी ये लास्ट ब्रिज है और वाटरफॉल आ जाएगा दोस्तों। तो फाइनली हम लोग जलवानी वाटरफॉल पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी समर का सीजन है तो यहाँ पे पानी का फ्लो काफ़ी कम है। आप ये देख सकते हो बहुत ही कम पानी का फ्लो है। तो अभी मैं फिलहाल जलवानी वाटरफॉल पे हूँ
अभी समर का सीजन चल रहा है तो मैं आया था यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। ये थोड़ा हाइडन प्लेस है, आपको यहाँ पे आना हो थी सरदार डैम वहाँ तक आना, फिर वहाँ से जरवानी विलेज या जरवानी वाटरफॉल का बोट मारा है, वहाँ से बाहर से परमिशन लेनी पड़ती है। कुछ फीस है, कुछ पास है पर पर्सन, तो आपको मैं सब शेयर करूँगा मेरे वीडियो में। अभी आप ये नज़ारा देखो, ये जरवानी वाटरफॉल का काफ़ी सुंदर वाटरफॉल है। तो अभी यहाँ से ऊपर जाते हैं और ऊपर देखते हैं ऊपर क्या है। यहाँ पे सब स्टेप है, देखते हैं ऊपर जाके क्या है ऊपर देखने को मिलेगा, आपको मैं अभी बताता हूँ। तो फिर से हम लोग हमारी गाड़ी के पास आ गए, अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और आपको अभी नर्मदा आरती दिखाते हैं। अभी ये सनसेट का टाइम हो गया और आपको रास्ते में सनसेट दिखने को मिलता है तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अभी मैंने नॉर्मल सनसेट कैप्चर किया है, अभी आपको ये दिखाता हूँ। तो अभी यहाँ पे गाड़ी हमारी पार्क कर देते हैं, अभी यहाँ से राइट जाना है नर्मदा आरती के लिए। यहाँ पे पार्किंग की सुविधा भी काफ़ी अच्छी है, आप ये देख सकते हो काफ़ी सारी यहाँ पे सब गाड़ियाँ आई है। तो पहले आपको मैं पूरा व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे नर्मदा आरती यहाँ पे होती है, यहाँ पे नर्मदा घाट बनाया है। पूरा व्यू आपको पहले दिखा देता हूँ अच्छी तरीके से।
Oh, 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 oh
आई होप कि आज का वीडियो अच्छा लगा। तो पहले मैं पोईचा नीलकंठ महादेव गया था और उसके सामने है कुबेर भंडारी टेम्पल, वहाँ गया था और मेरा तीसरा डिस्टेंस था स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। और फिर वहाँ से मैं जरवानी वाटरफॉल गया था। तो आई होप कि आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और मेरी चैनल पे आप नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर देना। और मैंने प्रॉपर रूट भी आपको बताया है और पूरा इन्फॉर्मेशन भी दिया है रोड का। तो दोस्तों इस व्लॉग को यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। तो फिर मिलते हैं ऐसे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।